अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दो दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, उसमें कहा था कि जो बीमार हैं उनके लिए हम सब की दुआ होनी चाहिए। इस पर ब्रादरम खतीब रफतुल्ला साहब लिखते हैं आपका वीडियो देखा आप इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं बेशक इंसान अपने माँ के रहम में परवरिश पाते हुए भी ज़ेर मुआलिज रहते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका में और महसूस क्या होगा कि मादर हमल से ही मुआलिजी सिलसिला शुरू कर दिया जाता है। बहर कैफ इंसान पैदाइश से लेकर रुखसत होने तक किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहता है, चाहे वो नफ्सियाती, रूहानी, वारदाती या मोहलिक बीमारी ही क्यों ना हो। मखलूक का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के लिए बाएस रहमत साबित हो। भाईचारे की हमदर्दी पासबानी गमखारी का सबूत दें, कुछ ना हो तो सिर्फ दुआएं दें, जो असल में वही कामयाबी की राह है। अल्लाह की रजा में उसकी रसाई तक पहुंचने का वाहिद जरिया है। आपने दरख्वास्त की है दुआ के लिए, जो काबिल दाद व तहसीन के साथ ईमान का तकाजा और हुकूक इंसानियत का मुजाहिरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आजिज़ाना दुआएं दिली इल्तजा है कि हर एक उसके मखलूक जो बीमार में मुबतला है उसको बासहत शिफा कामिला अता करें, अदवियात मुस्तमिल रहें और दुआएं जारी रखें। इस कामयाबी का राज उम्मीद पर मबनी है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।